वेलकम बैक टू चैनल माय फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एरे फिल्टर मेथड के बारे में, ठीक है, कैसे यूज करेंगे और किस लिए यूज होता है, ठीक है। और इसमें से हम आपको बेसिक और एडवांस दोनों इसमें से हम बताएंगे, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आप बिल्कुल आप समझ जाएंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एक बेसिक सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं एडवांस में आपको ले चलूंगा, ठीक है। तो एरे फिल्टर एक्चुअली में काम करता है कि अगर हम दो एरे को अगर हम मतलब आगे वो तो एडवांस में है, लेकिन फिलहाल बेसिक जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें से अगर हमको कुछ वैल्यू को अगर हमको इसमें से चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो एरे फिल्टर बेसिकली चेक करने के लिए ही काम आता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ लाइव करके। जैसे हमारे पास इस तरह का एक एरे है, एरे मतलब हमने ले लिया, जिसको अभी मेरा डिस्प्ले कुछ एरे इस तरह से करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरह से एरे यहाँ पे करना चाहिए, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम कंसोल नहीं लगा है इसके अंदर में, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम कंसोल कर लेंगे, उसके बाद में कुछ एरे हमारा इसमें से दिखेगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, ठीक है इसको। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसके अंदर में, ये कुछ इस तरह से हमारा एरे यहाँ पे दिख रहा है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जावास्क्रिप्ट का वो जो एरे फिल्टर फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट फंक्शन है वो, तो हम यहाँ पे अब यूज करेंगे उस फंक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इस तरह से दिखा हमारा ऑब्जेक्ट जो एरे में था। अब यहाँ पे एक फिर लेट लेंगे एक वेरिएबल, जो कि वैल से ऐसे करके कुछ ले लेता हूँ, जो भी कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम कॉल कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हम कॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर फिल्टर जो इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का उसको हम ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ जो है अब इसके बाद हमको क्या करना है कि एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन जैसे क्या कुछ भी अपना हम यहाँ पे फंक्शन का नाम दे सकते हैं, जैसे चेक, चलिए चेक मैं फिलहाल रख देता हूँ, ठीक है। तो एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया, इसके बाद यहाँ पे हम कैसे कर ली ब्रेस बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम रिटर्न करेंगे इसको, रिटर्न अभी तो रिटर्न कुछ नहीं करवाना है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे जो है इसका वेरिएबल जो आएगा हमारा, एक वेरिएबल हम यहाँ पे सॉरी वेरिएबल यहाँ पे ये वेरिएबल फंक्शन में पास करेंगे, और ये फंक्शन जो है दे देंगे फिल्टर को, ठीक है। तो फिल्टर को दे देंगे, ठीक है, समझ गए कि ये वेरिएबल जो हमारा था हमने फंक्शन को दे दिया, अब फंक्शन पूरा उठा के मैंने फिल्टर को दे दिया। अब फिल्टर जब भी एरे चलेगा यहाँ पे फिल्टर चेक करेगा, ठीक है, बार बार फिल्टर चेक करेगा इसको, जो कि हम कंडीशन यहाँ पे देंगे। अब कंडीशन क्या देंगे कि अगर 20 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अगर है हमारा ऐसे अगर ग्रेटर ग्रेटर देन क्या है देख सकते हैं 20, ठीक है, अगर ग्रेटर देन हमारा 20 है तो हमारा जो भी रिटर्न हो वो हमको रिटर्न करें, ठीक है, उसके बाद का रिटर्न करें। तो एरे चलता क्या है यहाँ पे कैसे चलेगा, सबसे पहले 10 चलेगा, ठीक है, 10 चलेगा यहाँ पे कंडीशन में चेक करेगा आके, ये एरे फिल्टर में जाएगा, फिल्टर वैल्स जो है यहाँ इसके अंदर में जाएगा, और यहाँ पे सॉरी एक चीज देना भूल गया, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे तो देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पे जो कंडीशन लगाया है वो कौन सा है, ठीक है, अगर इसके बाद का है तो बाद वाला दिखाएगा, या तो फिर 20 का जो है उसके लेस देन में है तो उसका 10 दिखाएगा, इसका दोनों इस तरह से कंडीशन बेसिकली चेक होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कुछ रिटर्न करता है ये वैल्यू में या नहीं रिटर्न करता है, तो क्या रिटर्न करता है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 30, 40, 50, ठीक है, इस तरह का रिटर्न किया यहाँ पे, चूंकि मैंने इसमें लगा दिया था ये चीज कंडीशन लगा दिया कि 20 के ग्रेटर देन 20 के बाद जो नंबर हमारा आए वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रिटर्न करे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा इस तरह से रिटर्न किया 20। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 30, तो 30 के बाद का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा हमको यहाँ पे ये सर्च करके, ठीक है। तो ये बेसिकली देख सकते हैं यहाँ सर्च करके वो रिटर्न किया, तो ये एक एरे क्रिएट कर देता है यहाँ पे। जैसे फिल्टर में जब ये जाता है तो यहाँ कंडीशन के बाद में एक नया एरे जनरेट करता है, उसके बाद का वो चीज दिखाता है हमारा फिल्टर के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये इस तरह का एक चीज हो गया। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 मैंने लगाया लेकिन 30 गायब कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे 30 जो है नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 30 भी दिखे उसके बाद वाला भी दिखे। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है, पीएचपी में भी होता है, जावास्क्रिप्ट में सेम ही ऑपरेटर होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल लगा देंगे हम ऑपरेटर को, तो शायद तीनों ही हमारा दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों दिखा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का
है इसका बेसिक में, बेसिक सीखने के लिए ये चीज, समझने के लिए ये चीज बहुत मतलब बढ़िया एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आराम से इसको समझ में आ जाएंगे। एरे फिल्टर बेसिकली इस चीज के लिए काम करता है, ठीक है। इसी तरह से आप काम करवा सकते हैं, और भी अगर कुछ कंडीशन लगाना हो जैसे, तो यहाँ पे एंड एंड आप डाल सकते हैं, जैसे एंड हो गया इस तरह से, और यहाँ पे वेल्स को उठाएंगे फिर इस तरह से, और कर लेस देन कर देंगे यहाँ पे इस तरह से कुछ, और यहाँ पे लेस देन हमारा कितना चाहिए, यहाँ चाहिए 50 के बाद का, ठीक है, 50 के बाद का हमको यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो यह देखते हैं कि क्या क्या दिखाता है। 30 मतलब यहाँ पे कितना हमको रिटर्न करना चाहिए, एक रिटर्न करना चाहिए हमको 30 और 40, 50 भी चला जाना चाहिए, ठीक है। बाकी ये तो 10, 20 वो तो जाएगा ही, ठीक है। देख लेता हूँ कि क्या इसमें से रिटर्न कर रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर में 30 और 40 हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चेकिंग किया जाता है। अब यहाँ पे इस तरह से आप बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह से एरे फिल्टर काम करता है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रक्चरिंग का जो एरे होता है उसका उस लेवल का मैं आपको कुछ एडवांस इसमें आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इस कोड को मैं डायरेक्टली कमेंट या तो हटा ही देता हूँ इसको, चलिए मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और मैंने कोड बना के रखा हूँ पहले से, जो कि थोड़ा टाइम ना लगा, मैं आप लोगों का बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन कर दूंगा यही चीज़ को, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप समझ पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांस का जो मैं अब बात कर रहा था, अब यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ, यहाँ पे एडवांस का जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए कि एक लिस्ट ले लिया है, ठीक है। एक जो है डिस स्ट्रक्चरिंग का जो एरे है, इसमें से एरे आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले, लेकिन अगर एडवांस लेवल पे भी अगर आप जानना चाहते तो ये थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया, ठीक है। एरे लेने के बाद में एक पहले वाला एरे है, अब सेकेंड वाला एरे, दो एरे लिया मैंने, ठीक है। एक अलग ऑब्जेक्ट से लिया, एक अलग ऑब्जेक्ट से लिया, ठीक है। लिस्ट नाम दे दिया मैंने इसको, एक ऑब्जेक्ट नाम दे दिया इसके अंदर में, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से मैंने किया हूँ इसके अंदर में। अब ये जो है सबसे पहले ये लिस्ट को मैंने फिल्टर के साथ में ही, एडवांस लेवल का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिल्टर जो लिस्ट है, लिस्ट को मैंने फिल्टर को दे दिया, ठीक है। यहाँ पे दे दिया इसको। अब जो है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि चेकिंग करने के लिए अक्सर मतलब ये काम करता है, और ये अक्सर ज़्यादा मतलब अक्सर जो है ये एरे फिल्टर ट्रू और या तो फिर फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है ये, ठीक है। तो मैंने बेसिक लेवल पे मैंने आपको डायरेक्टली एरे में ही बताया, लेकिन इसमें से आप देखेंगे कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वैल्यू को जो है इसके अंदर में फिर ऐसा ये ले लिया, इसका वेरिएबल बनाया यहाँ पे वेर करके, ठीक है। तो इसका वेरिएबल मैंने बना दिया। अब ये जो है मैंने लिस्ट को यहाँ पे सिंपली डाल दिया, ठीक है। अब ये लिस्ट को डाल देने के बाद में एक एरे बना के, एक ऑब्जेक्ट एरे बना के, एक दो ऑब्जेक्ट एरे मैंने बनाया, ठीक है, डिसस्ट्रक्चरिंग एरे, ठीक है। तो डिसस्ट्रक्चरिंग एरे का जो है आपको कैसे चेकिंग करना है, आप एक सिंपल सी ले लीजिए, मानिए कि ये आपको डेटा, आपका डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस है, और आप ये चीज जो इंसर्ट कर रहे हैं, होता है ना इंसर्ट डिलीट अपडेट, ठीक है। तो ये डेटा, अगर ये डेटा आप, अगर आप इस डेटाबेस के अंदर में इंसर्ट करना चाहते हैं और चेक इन करना चाहते हैं कि अगर ये डेटा मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस डेटाबेस के अंदर में, तो मतलब नहीं इंसर्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये इंसर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों अगर इंसर्ट करना चाहते हैं डेटाबेस में तो कैसे होगा, तो यहाँ पे चेकिंग करेंगे कि अगर ये फिल्टर जो है, फिल्टर यही चीज चेक करता है कि फिल्टर हमने यहाँ पे रख दिया, और ये जो है ऑब्जेक्ट इसका जो है एक आइटम फंक्शन में, एक फंक्शन एरो फंक्शन लगा हुआ है इसके अंदर में, आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन के अंदर में जो है इसको यहाँ पे रख दिया ये, ठीक है, यहाँ पे आइटम का इसका लिस्ट का वेरिएबल बना दिया आइटम, ठीक है। अब आइटम का इसका वेरिएबल जो है बना दिया आइटम, अब इस आइटम का यहाँ पे मैंने आईडी ले लिया, ठीक है। अब इस लिस्ट का, इस आइटम का वेरिएबल का आईडी कौन सा है, तो ये हमारा ये है, ठीक है, ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट इसको फिल्टर को दिया, फिल्टर फिर से एक वेरिएबल बना दिया इसके अंदर में, मतलब कह सकते हैं कि पैरामीटर दिया जिसमें से वेरिएबल है इसके अंदर में। अब ये जो है वैल्यू है सारा, अब ये वैल्यू के अंदर में आईडी इसका ले लिया, मतलब इसका आईडी ले लिया। अब ये ऑब्जेक्ट का भी आईडी हमने यहाँ पे ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी मैंने ये आईडी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल इक्वल टू
इक्वल टू इसके बोल रहे हैं कि अगर दोनों अगर सेम मिलता है, ठीक है, दोनों अगर सेम मिलता है और ग्रेटर डॉट लेंथ जो है ग्रेटर देन जीरो हो, अभी फिलहाल इसको छोड़िए, ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह से हो तो हमारा, अगर हम यहाँ पे मतलब कंडीशन बताएंगे तो यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं कि अगर इफ लिखेंगे यहाँ पे, इफ अच्छा सॉरी ये तो फंक्शन के अंदर में है तो हमको यहाँ पे डबल इफ चलाना पड़ेगा, इसके इफ के अंदर नहीं इसमें है, ठीक है, अगर ये है तो हमारा यहाँ पे जो है रिटर्न करेगा इस वैल्यू में ट्रू या फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, वो मैंने हटा दिया, लेंथ जो है लेंथ ग्रेटर ग्रेटर देन ये हो गया ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से बड़ा है मतलब कोई अगर एक भी जीरो से अगर बड़ा मिल, जीरो है तो ठीक है फॉल्स है, अगर जीरो जीरो से अगर एक भी बड़ा मिला तो उसको ट्रू करो, मतलब अगर मैच करेगा ये और ये आईडी, अगर ये और ये आईडी अगर मैच दोनों कर गया तो यहाँ पे हो जाएगा वन, ठीक है, यहाँ पे वन हो जाएगा, और वन हो जाएगा तो हो जाएगा ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट इसमें से क्या आता है, ठीक है फ्रेंड, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि फिल्टर जो है कैसे मतलब चेकिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस जगह पे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आ रहा है, मतलब एक मैच कर रहा है इसके अंदर में, ठीक है, एक मैच कर रहा है, क्यों मैच कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो मैंने बनाया हो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये देख सकते हैं कि नाम नेम हमारा जो है नेम 3 हो गया और स्कोर जो है 33 हो गया, तो ये कहाँ से मैच कर रहा है, मेरा पुराना डेटा से मैच कर रहा है, ठीक है, जो मेरा मतलब डेटाबेस में है, मान लीजिए कि ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर में हमारा मैच कर रहा है, तो देखिए आईडी 3 है, नेम 3 नेम 3 है, स्कोर 33 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, नेम 3 है और स्कोर 33 है, तो ये डेटा अगर ये इक्वल इक्वल टू दोनों आईडी अगर ये 3 आईडी अगर मैच किया और उसका डेटा भी अगर मैच करवा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को आईडी ही मैच करवा के दिखाया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे वैल्यू पे कंसोल कराए जब ये वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ट्रू है, ठीक है, ट्रू हो गया इस जगह पे, तो इसी तरह से चेक इन करा सकते हैं एडवांस लेवल में, अगर कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और चेक इन कराना हो जावास्क्रिप्ट में जेसन के अंदर में, जेसन फॉर्मेट के भी अंदर में, तो आप इस तरह से आप बिल्कुल चेक इन करा सकते हैं, अगर यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 1 अगर कर देते हैं तो शायद इसके अंदर में फॉल्स हमारा आएगा, इसके अंदर में देख लेते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉल्स आ गया इस जगह पे, तो इस जगह एडवांस लेवल में इस तरह का एरे फिल्टर जावास्क्रिप्ट में काम करता है, ठीक है फ्रेंड, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम चेक इन करवा सकते हैं अपने पुराने जेसन डेटा को, नए जेसन डेटा अगर डालना हो उसमें से चेक इन कराना हो, तो अगर फॉल्स मिल गया यहाँ पे, अब कंडीशन आप इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे आप इस तरह से अगर आप यहाँ पे कंडीशन आप लगा सकते हैं, कैसे कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया इफ If क्या था वैल्यू वी ए एल यू ई वैल्यू सॉरी ये क्या हो गया इफ वैल्यू इक्वल इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इस तरह से कंडीशन आप लगा सकते हैं, आप उसके बाद में तो पोस्ट करो, मतलब जैसे यहाँ पे दिखा अलर्ट में अलर्ट जैसे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं हेलो, ठीक है, अगर ट्रू मिला तो हेलो इसको कंडीशन में दिखा, एल्स एल्स अगर हमको फॉल्स मिल जाएगा तो हम यहाँ पे अलर्ट में कर देंगे, हम यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि देखते हैं कि अगर हमारा ट्रू होगा, अगर इस तरह से कंडीशन उसके बाद में हम लगा सकते हैं कि ट्रू हो तो पोस्ट नहीं करो हमारा, अगर फॉल्स हो तो पोस्ट करो, इस तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में इसी तरह से चेकिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो मेरा हमारा आ गया क्योंकि इसको ट्रू मिला है, ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रू मिला है, अगर यहाँ पे हम कर देते हैं वन, ठीक है, यहाँ पे अगर हम वन कर देंगे तो इसको फॉल्स मिलेगा, तो फॉल्स यहाँ पे अलर्ट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉल्स, और यहाँ पे भी हमारा फॉल्स आएगा, तो इस तरह से कंडीशन लगा के आप अपना जो है प्रोजेक्ट में आगे काम कर सकते हैं ताकि जो मतलब ओवरराइट ना हो दूसरा डेटा, ठीक है, जेसन के साथ में, तो
यही था कुछ फ्रेंड आज के इस वीडियो में, मुझे एरे फिल्टर मेथड के साथ में जावास्क्रिप्ट के बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और जरा भी आपको समझ में आया हो, नॉलेज मिला हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर एक लाइक करें। नए चैनल में है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।